गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम बड़े दिन के बाद आपसे मिलने जा रहे हैं। तो वजह यह थी कि हम भी थोड़े से मसरूफ थे, बिजी थे, थोड़ी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए हम मिल नहीं पाए आपसे। तो आज हम दोबारा आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 विद पार्ट नंबर 6, छठा पार्ट करेंगे इसका। सिक्स पार्ट आपका 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, तो उसका ध्यान दे रहे, ठीक है। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, तो मैंने क्या किया, 6x प्लस 3y, ये xy मैंने यहां लाया, अपॉन xy इज इक्वल टू क्या रह गया, 6। इसको मैंने अलग अलग दिया, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। यहां पे x और x कैंसिल हो गया, 6 अपॉन y, y और y कैंसिल हो गया, 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, 2x प्लस 4y, xy नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या रह गया, 5। अलग अलग कर लिया, 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, xx कैंसिल हो गया, 2 अपॉन y, yy कैंसिल हो गया, 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। लेट इट बी सेकंड। अब ये बन गई 2, जैसे फर्स्ट है 6 अपॉन y, अगर आप 1 अपॉन y पुट करते p के बराबर तो कितना बन जाएगा, 6p, क्योंकि इसको ऐसे सकते आप 6 इंटू 1 अपॉन y, 6 अपॉन y बन जाएगा। तो 1 बाई y को आपने पुट किया p, 1 अपॉन x को पुट किया आपने q, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बन गई 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, लेट इट बी थर्ड, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5, लेट इट बी फोर्थ। अब मैं यहां पर चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाऊं चाहे सब चीज मेथड लगाऊं, अगर एलिमिनेशन लगाना है तो एक चीज को यहां से मुझे क्या करना होगा, हटाना होगा। तो मैंने थर्ड को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 के साथ किया, मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई 4 एंड 4 बाई 3, 4 के साथ करने से क्या मिला, 4 6 जा 24p, 4 3 जा 12 क्यू, 6 4 जा 24, 5th इक्वेशन। 3 के साथ किया 6p, 3 4 जा 12 क्यू, 5 3 जा 15, 5 में छठी बन गई। सब्ट्रैक्टिंग 6th फ्रॉम 5th, ये सब्ट्रैक्ट लिखा मैंने, छठी को 5 में से निकालो, माइनस 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 24, ये प्लस का था ये माइनस का, कैंसिल, 24 में से 6 निकाले 18p, 24 में से 15 निकाले 9, देन p इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 9 वन 9, 9 टू 18, p इज इक्वल टू 1/2, p की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, p की वैल्यू को जाओ तो थर्ड में पुट कर लो या फोर्थ में, मैंने थर्ड में लिखा है 6p, 6 इंस्टेड ऑफ p यू राइट 1/2 प्लस 3 प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 3q इज इक्वल टू 6, 3 से चला गया माइनस का, 3q इज इक्वल टू 3, क्यू इज इक्वल टू 3/3, क्यू इज इक्वल टू 1। मैंने पी और क्यू निकाल दिया, बट वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, पी कितना है, देन पी इज इक्वल टू 1/2, अगर पी 1/2 है देन पी की वैल्यू किसके बराबर है, 1/y, सो इंस्टेड ऑफ पी यू विल राइट 1/2, 1/y इज इक्वल टू पी, पी की जगह आ गया 1/2, y into 1, y, 2 1s are 2, it means y is equal to 2. And when q is equal to 1, q is equal to 1/x, then 1/x is equal to 1, then x is equal to 1. Hence, x is equal to 1 and y is equal to 2, which is the required solution of the given equation. Thank you. Now, 3-4 days, we will meet you again, 7th part will come.